हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। एंड इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं गूगल कैमरा जो कि पोको X3 डिवाइस के अंदर हम इंस्टॉल करने वाले हैं। मेरे डिवाइस के अंदर ऑलरेडी दोस्तों बहुत सारी गूगल कैमरा इंस्टॉल है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। बट इस वीडियो के दौरान दोस्तों मैं एक स्पेशल गूगल कैमरा की यूज़ करने वाला हूँ, एक गूगल कैमरा का मोड यूज़ करने वाला हूँ, जिस गूगल का नाम है NGCAM 7.4। ये जो गूगल कैमरा है दोस्तों, गूगल कैमरा 7.4 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। एंड इस वीडियो के अंदर दोस्तों इसी गूगल कैमरा को यूज़ करके हम बहुत सारी पिक्चर को क्लिक करेंगे, कुछ पोर्ट्रेट, कुछ नाइट लाइट एंड कुछ नॉर्मल पिक्चर। एंड ओवरऑल रियल लाइफ के अंदर जो गूगल कैमरा है वो कैसे काम करते हैं पोको X3 के अंदर, वो हमें यहाँ पर मालूम चल जाएगा। इससे पहले दोस्तों एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड हो जाए, अल्ट्रा वाइड मोड हो जाए गूगल कैमरे के साथ, मैंने अलग से वीडियो करके रखा है, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आपको चेकआउट कर लेना होगा। एंड पहली दफा जब भी आप गूगल कैमरा को ओपन करोगे दोस्तों, आपको परमिशन को अलाउ कर देना पड़ेगा। उसके बाद यूजर इंटरफेस की बात करूँ, बहुत ही ईजी है। गूगल का ऑटो वाइड बैलेंस है, एचडीआर मोड, एनएस मोड मिल जाएगा। एंड कैमरा की बात करूँ, कैमरा यहाँ पर काम कर रहा है पोर्ट्रेट मोड, फोन बैक काम करेगा, फेस रिटचिंग नेचुरल स्मूथ, गूगल का ऑटो वाइड बैलेंस एज वेल, एचडीआर भी दोस्तों को पोर्ट्रेट मोड के अंदर देखने को मिलता है। नाइट लाइट मोड की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मैक्स 16 सेकेंड 32 सेकेंड का ऑप्शन मिल जाएगा, गूगल का ऑटो वाइड बैलेंस है। एंड यहाँ पर फोकस के लिए भी मिल जाती है। मोड के अंदर पैनोरामा, फोटो स्पेस, स्लो मोशन, टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जाती है। एंड स्लो मोशन फीचर की बात करूँ दोस्तों, स्लो मोशन यहाँ पर काम कर रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर 4K का सपोर्ट है, बट 4K के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो 60 FPS है, आई डोंट नो काम करेगा नहीं, क्योंकि आई एम नॉट श्योर, बट 4K के अंदर 30 FPS काम करेगा, 24 FPS एंड ऑटो FPS काम करेगा। फुल HD के अंदर ऑटो FPS, 24 FPS, 30 FPS एज वेल, जो 60 FPS चालू ही काम करेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड यहाँ पर हमें टाइम लैप्स मोड भी देखने को मिलता है, एंड टाइम लैप्स मोड भी यहाँ पर काम कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है। बात कर लेते हैं वैसे सेटिंग्स के अंदर, अगर बात करूँ सेटिंग्स की तो बहुत सारी चीज़ें, फ्रेम एंडिंग है, सेफ सेल्फी से, सोशल शेयर की ऑप्शन मिलेगी, डू नॉट डिस्टर्ब मोड मिलेगी, एडवांस के अंदर एचडीआर कंट्रोल मिल जाएगा, रॉ इमेज का सपोर्ट है, थर्ड पार्टी गैलरी एप्लीकेशन की यूज़ कर सकते हो, ये जो जूम है दोस्तों 100x तक जूम को सपोर्ट करता है, जीपैक इमेज का सपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर सैटेडा फैक्टर करके मिल जाती है, DCI P3 कलर को सपोर्ट करता है दोस्तों। पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो जूम होता है उसे बंद कर सकते हो। ऑक्सिलरी कैमरा का ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपके फोन के ऊपर, ऑफकोर्स आपके पोको X3 के अंदर चार कैमरा लगा हुआ है, सो आप चाहो तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड बट नॉट श्योर ये काम करेगा नहीं, देख ही पा रहे हो यहाँ पर क्रैश कर जा रहा है, सो समझ लेना भाई साहब। इसका जो ऑक्सिलरी कैमरा है, मतलब जो अल्ट्रावाइड मोड का सपोर्ट है इस गूगल कैमरे का, उतना अच्छा नहीं है, इसके लिए अलग से गूगल कैमरा आपको मिलेगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो किया हूँ, सो वीडियो जरूर से चेकआउट करना। एचडीआर एनएस फ्रेम का ऑप्शन मिल जाएगा, लीप पचर का ऑप्शन मिल जाएगा, वीडियो स्टोरेशन का ऑप्शन है, 100 FPS तक वीडियो बिटरेट को सपोर्ट करता है। नहीं देखो NGCAM का लोगो एंड निकिता जीकम का लोगो, ये तो कही दोस्तों मेन बात। नाउ आप जितनी फोटो देखने वाले हो सभी को दोस्तों मैंने पोको X3 के साथ क्लिक किया है, एंड रियल लाइफ एग्जांपल है दोस्तों, रियल लाइफ के अंदर हमने सभी पिक्चर को क्लिक किया गया है दोस्तों। एंड मेरा जस्ट मैं बाहर गया था, एंड मेरा मन करा भाई से चलो पिक्चर क्लिक करते हैं पोको X3 के साथ, तो मैंने पिक्चर को क्लिक किया। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ मैं जो फोन है दोस्तों, फोन को मैं थोड़ा सा हाथ हाथ के साथ होल्ड करके पिक्चर को क्लिक किया है, कोई भी ट्राइपॉड वाइपॉड यूज़ नहीं किया हूँ। एंड शाम का टाइम था, एंड लो लाइट कंडीशन के अंदर पिक्चर किस तरह से आया है, कुछ उस पिक्चर के अंदर आपको ग्रेनिश भी दिखाई मिलेगा, बट ओवरऑल पिक्चर कैसा है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मुझे दोस्तों पर्सनली जो पिक्चर है दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कलर है बहुत ज़्यादा सैचुरेट नहीं किया गया है, डिटेलिंग पिक्चर के अंदर काफ़ी है, बट और भी अच्छा डिटेलिंग आपको बाकी जो गूगल कैमरा है उसके अंदर देखने को मिलेगा, बट इस गूगल कैमरे के अंदर उतना अच्छा डिटेलिंग नहीं है, बट कलर थोड़ा सा डल मुझे लगा है। बट बाकी अगर आप चाहो तो पिक्सआर्ट के थ्रू और कोई भी फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो कलर है उसे पॉप कर सकते हो, उस सैचुरेशन को बढ़ा सकते हो, बाकी नेचुरल कलर आया है, डिलिंग काफी बढ़िया मिला है, बट और भी अच्छा डिलिंग हो सकता था। एंड यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, अल्ट्रा वाइड मोड सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैक्रो मोड सपोर्ट नहीं कर रहा है इस गूगल कैमरे के अंदर, क्योंकि ये गूगल कैमरा है वन प्लस के लिए तैयार किया गया है, ना कि पोको X3 के लिए। फिर भी काम तो कर ही जाता है, क्योंकि कैमरा टू ए पे एनेबल है पोको X3 के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको पिक्चर सैंपल कैसे लगा कमेंट कर जरूर से बताना है। अगर आप इस गूगल कैमरे को डाउनलोड करना चाहते हो अपने पोको X3 के अंदर दोस्तों, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक प्रोवाइड करते रहो, वहां पर जाकर डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर आप अल्ट्रा वाइड मोड, माइक्रो लेंस एंड रियल लाइफ के अंदर गूगल कैमरा का अलग से वीडियो चाहते हो, मैं ऑलरेडी बना के रखा हूं, आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करते रहो, वहां पर जाके आपको देख लेना होगा। और पोको X3 का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाओ, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी, चेकआउट जरूर से करना। सो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।